जल्दी गाइस, ट्रेन चलती गाइस, आधे छूट गए भाई। चल चले कहीं उड़ के, हम चले कहीं आसमान। अगर रात में ही मिलेगा भाई, नई दिल्ली जा रहे हैं लेकिन काफी ज्यादा भीड़ है। ये देख लो गाइस, केजरीवाल ने कैसा फुटपाथ बना रखा है, काफी भीड़ रहती है अब। ज्यादा स्पीड में चल रहे हैं ना ऑटो, इसलिए सही से लोकेशन सेट नहीं कर पा रहे हैं। गाइस अगर आपकी रात में ट्रेन हो, टाइम लेके निकले भाई, क्योंकि काफी ज्यादा जाम मिल रहा है। नई दिल्ली जा रहे हैं हम लोग। तो गाइस हम सीटी पहुंच चुके हैं, 10 मिनट में हम होंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। रात में तो गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ है टिकट लेने के लिए, काफ़ी लंबी लंबी लाइन है। फाइनली गाइस 5 टिकट मिली है, प्लेटफॉर्म के लिए कितनी ज़्यादा लाइनें हैं, कितनी ज़्यादा लाइन प्लेटफॉर्म के लिए। एक स्कैम भी कर सकते हो भाई, 10 की टिकट लेके 20 में बेच भी सकते हो बाहर, क्योंकि काफ़ी भीड़ है। प्लेटफॉर्म टिकट के साथ भाई स्कैम भी कर सकते हो, 10 की टिकट खरीदो 20 में बेचो, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। भाई जी है 13 प्लेटफॉर्म नंबर, स्वतंत्रता सेनानी बिहार जा रही है, और इसमें भारी संख्या में भीड़ है, भारी मतलब बहुत भारी। इतनी तो भाई मैं यूपी जाता हूँ, छत्तीसगढ़ जाता हूँ, उसमें नहीं मिलती। चंदन भाई की शादी है ना, एसी हमने बुक कर रखी है लेकिन बैठेंगे नहीं। तो गाइस भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग ने सामान ले रखा है, 13 प्लेटफॉर्म पे ले जाना है। ये रूट जाएगा गाइस, 13 पे जाएंगे हम, 16 से चढ़े हैं, इधर से चढ़े हैं एक्सेलरेटर से, चलते हैं फिर लेके। लग रहा है गाइस हम गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, वंदे भारत उस साइड खड़ी है भाई, नहीं यहाँ लाके खड़ा कर दिया है। ट्रेन गाइस सामान से ज्यादा पब्लिक थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी, स्लीपर जनरल बना हुआ था पूरा। भाई बिहार जा रही है ट्रेन, बहुत ज्यादा भीड़ है, आदमी ज्यादा है, सामान कम है, सब स्लीपर डब्बे हैं भाई, स्लीपर के यार जनरल से बेकार है। बिहार जाने के लिए भाई शादी के में तो ना जाएं। जल्दी गाइस ट्रेन चलती भाई, आधे छूट गए भाई। ट्रेन के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है, स्लीपर पूरा जनरल बना हुआ है, देखो भाई हर जगह बंदे लेटे पड़े हैं। आओगे क्या फिर, भूख लग गया? तो हे गाइस ब्लॉग को अभी आज पूरा करेंगे, क्योंकि कल थक गया था मैं और सो भी गया था जल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था आते आते, 10:30 बज गए थे। तो गाइस आपने देखा बिहार की ट्रेन में कितनी ज़्यादा भीड़ थी, हद से ज़्यादा भाई, चढ़ने तक की जगह नहीं थी, जैसे जनरल समझ लो उसे। कितने लोग तो गाइस चढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और आपने भी देखा वो भी स्लीपर में थी। जनरल का तो हाल बहुत ही बुरा था, और थर्ड एसी भी देखी थी, उसमें भी सेम ही कंडीशन थी, जैसे स्लीपर में थी वैसे ही थर्ड एसी भी था। तो ये सरकार से एक अपील है भाई कि वेटिंग लिस्ट इतनी बनाए कि एक लिमिटेड रहे, जिससे कि इतना ज़्यादा क्राउड ना हो जाए,
देख रहे थे गेट ही एक सेकंड के लिए खाली नहीं हो रहा था, लोग चढ़ेंगे कैसे भाई, इतनी भीड़ है। ऊपर से एक पुलिस वाले आए थे, वो मार भी रहे थे लोगों को। अब इतनी भीड़ है, लोग चढ़ेंगे भाई, वेटिंग सीट जब मिली है तो। रेलवे वालों से भाई, मंत्री से अब अनुरोध है कि वेटिंग लिस्ट की एक लिमिटेड सीट बना दें। जैसे मान लो 100 वेटिंग जाएगा, उससे ऊपर नहीं, तो वेटिंग कैसे रहता, 237, 147, ऐसे ऐसे वेटिंग रहेगा। बीच में आ रही सी 100-200 तुम डाल देते हो तो सब कहाँ जाएंगे भाई। और जबकि इतनी सारी ट्रेनें हैं बिहार की, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो इसके लिए कुछ करना चाहिए सरकार को, क्योंकि भाई लोग पैसा लगा के स्लीपर बुक कराते हैं, उसमें भी वो बैठ के जा रहे हैं आराम से, ऐसे जैसे जनरल है। इतनी ज़्यादा भीड़ थी गाइस, एक एक सीट पे तीन तीन लोग बैठे हैं, पूरी फर्श पे पूरा बैठे हुए थे, आपने देखा भी था। तो देख लिया गाइस दिल्ली में कितने लोग आते हैं बिहार से काम करने। तो आप भी गाइस अगर बिहार जाएं तो बहुत ही टाइम लेके जाएं आराम से, दो घंटे पहले तो स्टेशन पहुँचें, टिकट लें अच्छे से, फिर जहाँ पे आपको जोन सी ट्रेन है उस प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, आराम से चढ़ें। तो वहीं एंड करते हैं, रेल मंत्री अगर हमारी बात सुने तो प्लीज़ कुछ करें सब चीज़ों के लिए, जिससे कि इतना ज़्यादा क्राउड ना आए एक साथ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें हमारे साथ।